नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों और दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें खास बात यह है कि इन दुकानों को किसी विशेष प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन दुकानदार सिर्फ सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक ही अपनी दुकानें खोल पाएंगे। इन दुकानों में हर प्रकार की दुकानें शामिल रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने सरकार के निर्देशों पर यह कदम उठाया है। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के बाजारों को खोलने पर कोई छूट नहीं है, सिर्फ जिन दुकानों को अनुमति है वहीं अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इसके अगर कोई मोहल्ला या दुकानदार है तो वो सरल हरियाणा के पोर्टल पर आवेदन कर दुकान खोलने की अनुमति ले सकता है, लेकिन उसे भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम एरिया में दुकानों को खोलने की छूट नहीं है, सिर्फ पंचायती क्षेत्रों में ही दुकानें खोली जा सकती हैं। यहां आपको बता दें कि डीसी निशांत कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि करनाल फिलहाल ऑरेंज जोन में है। कंटेनमेंट जोन के लिए 28 दिन का समय निर्धारित होता है। उन्होंने बताया कि जिले में गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है। अब तक 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जिन 4 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हुई है वे अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे, उनमें कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। उन्होंने कहा कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोजाना 50 से ज्यादा टेस्टों की जाँच हो रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल करनाल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। डीसी ने साफ किया कि जो भी इंडस्ट्री खोलना चाहता है उसे निर्धारित मापदंडों का पालन करना होगा और साथ ही सरल हरियाणा के पोर्टल पर अनुमति लेनी होगी। हरियाणा से बाहर रहने वाले लोगों को हरियाणा वापस लाया जा रहा है, इसी तरह प्रवासी मजदूरों को भी यूपी भेजा जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। 2-3 चीजें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। सुबह से कुछ सवाल थे कि कौन सी दुकानें या कुछ और रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है या नहीं। जैसा कि विशेष रूप से होम डिपार्टमेंट की एक नोटिफिकेशन आई थी 24 अप्रैल को, यानी कल, उस संदर्भ में मैं बता दूं जो क्लियर कट डायरेक्शंस हैं वो ये हैं। उसमें क्लेरिफिकेशंस भी हरियाणा सरकार की तरफ से भी आ गई हैं, होम डिपार्टमेंट ने जो जारी की थी वो भी हैं, और कुछ फिर हमने जिला स्तर पर भी, जिला प्रशासन ने भी तय किया है। वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, रूरल एरियाज़ में, उसमें मॉल्स को छोड़ करके, अगर कहीं कहीं पे कोई है या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको छोड़ करके बाकी सारी दुकानें खुल सकती हैं 9 बजे से 12 बजे तक। उसमें अभी तक तो किराने की दुकानें और सब्जियों और फलों की दुकानें ही खुली थी, अब बाकी जो दुकानें हैं वो भी खुल सकती हैं 9 बजे से 12 बजे तक, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर कहीं कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको छोड़ करके, यानी मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके, ये तो बात हो गई हमारे सारे गाँव की। अब करनाल में जो 6 कस्बे हैं और एक शहर है करनाल शहर, उसके लिए बिल्कुल क्लियर कट निर्देश हैं कि वो सभी दुकानें जो मार्केट्स में हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में, सारी की हुड्डा कॉम्प्लेक्सेस में सारी बंद रहेंगी, उनको खोलने की कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी अभी तक जो हमारी स्थिति थी कल तक वही आगे यथास्थिति पूर्वक रहेगी। वो सारे लोग जिनकी दुकानें नेबरहुड शॉप्स हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, यानी मैंने अपने घर में ही दुकान खोली हुई है, पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और घर के अंदर ही ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है या बगल में कोई दुकान है और मेरी दुकान के अलावा उस एरिया में और कोई दुकान नहीं है, यानी स्टैंड अलोन शॉप है, वो दुकान 9 से 12 खोलने की हमसे परमिशन ले सकता है। परमिशन लेकर के ही वो दुकान खोलेगा और उसको परमिशन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के लिए ऑल काइंड ऑफ शॉप्स, बट वो ओनली कंडीशन इज दैट कि एक तो स्टैंड अलोन शॉप्स हों, यानी उस दुकान के अलावा उस एरिया में और कोई दुकान ना हो, पहली चीज़। दूसरा, वो नेबरहुड शॉप्स हों, नेबरहुड मतलब घर के अंदर या घर के बगल में, रेजिडेंशियल एरिया में, मार्केट एरिया में, गली मोहल्ले, एग्जैक्टली। और तीसरा, वो हमसे परमिशन ले और उसकी परमिशन अप्रूव हो जाए। और चौथा, 9 बजे से 12 बजे तक, इन 4 शर्तों पे वो दुकान करनाल की, यानी कोई दुकान ऑटोमेटिकली खोलने के कोई आदेश नहीं है। जो कल तक स्थिति है वही आगे स्थिति 3 तारीख तक रहेगी या आगामी आदेशों तक रहेगी, अगर मैं
शहरी क्षेत्र की बात करूं यानी 6 कस्बे और 1 नगर निगम की बात करूं। और ये दुकानें उनके अलावा रहेंगे सर जो किराने और दवाइयों की जो ऑलरेडी खुल रही हैं? हाँ, किराने की, दवाइयों की, सब्जियां, फलों की जो वेंडर्स हैं वो, बीज की, खाद की, जो जो दुकानें खुली हुई हैं अब तक वो यथावत चलती रहेंगी, उनकी टाइमिंग भी वही रहेगी। उसके अलावा जो एडिशनल कल की जो नोटिफिकेशन आई जिसके बारे में काफी क्लैरिफिकेशन की डिमांड थी, उसके बारे में जो मैंने क्लैरिफाई कराया वो इस प्रकार से व्यवस्था रही। खाने पीने की दुकान शामिल जी बिल्कुल नहीं खुलेंगी, खाने पीने की दुकानें, सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबे, ऑनलाइन डिलीवरी, सारी चीजें बंद रहेगी। हाईवे पे भी सर? बिल्कुल सब कुछ बंद रहेगा, रेहड़ी वाले बंद रहेंगे, फूड कोई चाट वाली है वो दुकान भी बंद रहेगी, ये सारी दुकानें बंद। तो सर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी दुकानों खोलने के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में सारी की सारी दुकानें जो अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मार्केट कॉम्प्लेक्स इनकेस कहीं किसी गाँव में है उसको छोड़ करके बाकी सारी दुकानें खुल जाएंगी 9 बजे से 12 बजे। मार्केट मार्केट कॉम्प्लेक्स की सर डेफिनेशन क्या होगी? जहाँ पे एक से ज्यादा दुकानें इकट्ठी लाइन से स्थित है और बीच में कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, यानी वो सिर्फ जैसे कमेटी की दुकानें हो गई या पंचायत की दुकानें हो गई इस टाइप से। जैसे शहर में तो जितनी भी दुकानें होती हैं सारी की सारी मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में ही होती हैं, अनलेस किसी ने अपने घर में ही दुकान बना रखी हो, इसलिए शहर की दुकान की बात करें घंटा सब बंद रहेगा। जो भी मार्केट्स हैं सारे बंद रहेंगे, मतलब बंद से मेरा मतलब किराने की दुकानें जो ऑलरेडी खुल रही हैं वो खुलती रहेंगी यथावस्थ स्थिति में। बंद रहेगी मार्केट में, मार्केट वाली सारी दुकानें। ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार है उसका कहने का तात्पर्य कि बाजार खुलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में तो अगर कोई मॉल है अगर विशेष रूप से उसको छोड़ करके चाहे लाइन से 4 दुकानें हैं 6 दुकानें हैं 9 से 12 तक खुलेंगे। फॉर एग्जांपल काछवा गांव है, काछवा गांव है ग्रामीण क्षेत्र में आता है, बिल्कुल वहां का पूरा बाजार खुल सकता है? बिल्कुल खुल सकता है 9 बजे से 12 बजे अगर इकट्ठी दुकानें तो भी। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ एक ही शर्त है दुकान बंद रहने की, अगर किसी मॉल के अंदर दुकानें हैं तो, उसके अलावा सारी की सारी दुकानें 9 से 12 तक खुलेंगी, चाहे वो किसी भी चीज की दुकान हो, उनको कोई परमिशन या पास की आवश्यकता नहीं है और 9 से 12 तक खुली रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग और अदर जो yes. है उसके लिए अब मैं उस शर्त पे आता हूँ। तो जो गांव में हमने बताया कि ये खुलेंगी, ये 2 शर्तों पे खुलेंगी, एक तो जितने इनके एम्प्लॉई पहले काम करते थे उसके आधे एम्प्लॉई लगाएंगे ताकि बहुत ज्यादा आना जाना लोगों का ना रहे, दूसरा ये अपने दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स कराएंगे, घेरे बनाएंगे जहाँ पे लोग खड़े होंगे और एक एक करके इनको राशन और बाकी चीजें देंगे, तीसरा जो लोग इनके यहाँ काम करने आएंगे उनको मास्क देंगे और उनको सैनिटाइजर देंगे, इन शर्तों पे ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खुलेंगी। जो फैक्ट्रीज खोलने की बात है उसके लिए सरकार ने सरल हरियाणा पोर्टल बनाया है, उस पर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अप्लाई कर दे, उसमें ये भी बता दे कि उसको कितने लेबर और कितने गाड़ियों के पासे चाहिए। अभी कल शाम तक की जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें लगभग 85 यानी 85 इंडस्ट्रीज हमने खोल दी हैं, उनमें काम भी शुरू हो गया है और करीब 300-350 जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। उसकी वजह ये थी कि जो एक उनको एक अंडरटेकिंग देनी होती थी कि इसमें अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है या हम वर्कर्स का ध्यान नहीं रख पाते तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैं ये चीज़ें इंश्योर करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करेंगे, वो अंडरटेकिंग ना देने की वजह से 350 के करीब दुकानों की परमिशन हमने कैंसिल की है, 80-85 शॉप्स हमने खोल दी। फैक्ट्री वालों के लिए एक शर्त तो ये रहेगी कि वो अपना जो लेबर है जितने उनकी रूटीन लेबर है उसका 50% का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में है इंडस्ट्रीज उनमें तो लेबर का रुकने की व्यवस्था को लेकर के कोई भी कंडीशन नहीं है, लेबर बाहर से आ जा सकती है, बस उनकी सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे, उनका रूटीन मेडिकल चेकअप कराएंगे, अगर किसी में कोविड के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत हमें सूचना देंगे, मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे। जो शहरी क्षेत्र की इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये सारी शर्तें तो हैं ही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की इंडस्ट्रीज के लिए हैं, एक शर्त एडिशनल है कि वो अपनी लेबर को या तो फैक्ट्री में इनहाउस रखेंगे या उनके आसपास किसी जगह पे रखेंगे और खुद की अपनी एक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करवाएंगे जो उनको बगल वाली बिल्डिंग से आसपास से अपनी फैक्ट्री तक लेके आएगी। साथ में परमिशन भी चाहिए सर। और हाँ बिल्कुल, जितनी भी इंडस्ट्रीज मैंने बताई ग्रामीण या शहरी सबको परमिशन की आवश्यकता है, ग्रामीण में भी फैक्ट्रीज की टाइमिंग में कोई बार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार शॉप भी खुलेंगी 9 बजे से 12 बजे। शराब के ठेके सर नहीं खुलेंगे? शराब के ठेके पूरे जिले में बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आपने छूट दी है लेकिन इसके बावजूद बिना वजह लोग, गांव के जो लोग हैं बाहर नहीं जाते, बिना वजह दुकानों पर बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या होगा?
देखिए जैसे मैंने बताया, एक तो जो दुकानों पे लोग रहेंगे, जो कर्मचारी वगैरह रहेंगे, वो 50% ही रहेंगे, और लोगों को बिठाने का तो उस पर तो संपूर्ण पाबंदी है। बैठने का तो मतलब ही नहीं बनता, कोई भी कोई जाए और वहाँ से अपना सामान ले और वापस आ जाए। और जो शॉप्स का मैंने बताया 9 से 12 तक रहेंगी, 12 बजे बाद हम स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा के बंद करा देंगे। सरपंचों की ड्यूटी लगाएंगे कि वो ठीकरी पहरे भी लगाएं और ये बंद भी करें। परमिशन की जरूरत नहीं है गांव में जो दुकानें खुलेंगी उनमें परमिशन की जरूरत नहीं है। शहर की वो स्टैंड अलोन शॉप्स या नेबरहुड शॉप्स जो मैंने बताया कि जो मार्केट एरिया में नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया में है, अकेली दुकान है और जिसने अपने घर में या पड़ोस में दुकान कर रखी है, वो हमारे पास परमिशन अप्लाई कर दे, परमिशन ले ले और 9 बजे से 12 बजे तक। ऐसे भी होंगे सर जो वहाँ पे गांव में मूवमेंट करना चाहेंगे शॉप खोलने के लिए, आने के लिए, उनके लिए उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई पास की आवश्यकता नहीं है। सर डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा उनको, वो अपने जो किराना शॉप होल्डर है उससे लिखित में ले सकता है कि भाई मैं, मेरा ये कर्मचारी है और ये मेरे किराने की दुकान पे काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र में है और हम ये सारे नॉर्म फॉलो कर रहा है, इसको आने दुकानदार जो है, जो गांव की किराने की दुकान है वो अभी भी आ रहे हैं, हमने उनके किराना जो होलसेलर भी फिक्स किए हुए हैं तो वो रूटीन अपनी दुकान में सामान ले आ सकते हैं। ये तो लॉकडाउन टूट जाएगा गांव में अगर दुकानों को खोलने की मंजूरी आपने दी जी, तो लोग तो आएंगे अपनी, बिल्कुल आएंगे। देखिए जो लॉकडाउन, अभी जो लॉकडाउन का स्टेटस है वो लॉकडाउन इन कॉन्सोनेंस विद लोगों का रोजगार है। अब सरकार का फोकस इस पे भी है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ना बढ़े और लोगों को असुविधा भी ना हो। शहरों में इसलिए ये प्रोविजन नहीं किया गया क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होती है तो उसको फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। करनाल रेड जोन में या ऑरेंज जोन में, इस पे क्लेरिफिकेशन। करनाल की अभी जो ऑरेंज जोन में है क्योंकि हमारे पास वैसे तो कोई पॉजिटिव पेशेंट है नहीं, बट चूंकि 5 केसेस 6 केसेस हमारे थे और जो विदाउट लास्ट इंसिडेंट अभी 14 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम ऑरेंज जोन में हैं। सर एक सवाल हो रहा है कि पिछले 24 घंटे में करनाल कल्पना चावला में 4 लोगों की मौत हुई है, उसमें 4 को आइसोलेट किया गया था और 4 संदिग्ध थे कोरोना के, और हालांकि ये रिपोर्ट आई है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट थी, क्या उसको दोबारा वेरीफाई भी कराया जी? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उनके अलग अलग रीजन से हमने रीजन भी देख लिए हैं, डेथ्स हुई हैं हॉस्पिटल्स में। कल्पना चावला क्योंकि एक रेफरल हॉस्पिटल है तो बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सीरियस केसेस आते भी हैं और रेगुलरली हर डेली डेथ्स भी होती हैं। करनाल में जो प्रदेशी फंसे हुए हैं उनको कोई राहत मिलेगी? करनाल में जो प्रदेशी फंसे हुए हैं पंजाब से, हाँ, तो एक इसमें मैं सूचना बताना चाहूँगा आपको, टोटल हमारे जिले में 803 प्रवासी थे इस बीती रात को और आज जल्दी हमने अर्ली मॉर्निंग लगभग 260 प्रवासी उनके जिलों में हमने पहुंचाए हैं। ये यूपी के 15 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं और इसमें हमारे यहाँ की बसेस गई हैं रोडवेज की, साथ ही जो हमारे प्रवासी जो बाकी स्टेट्स में थे जैसे कोटा में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे थे जिले के, उनको भी हमने मंगा लिया है। 23 बच्चे आए थे आज सुबह 4 बजे, वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, उनको अभी हमने क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, उनका मेडिकल जाँच करवाया है, आगे और भी उनकी मेडिकल जांच कराएंगे। और जी सैंपल्स नहीं लिए क्योंकि उनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं मिला, अभी हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे, उनकी फर्दर मेडिकल जांच होगी और उसके बाद जरूरत पड़ी तो उनको सेंट्रलाइज क्वारंटीन या फिर उनको अपने घरों में क्वारंटीन करना। एसी की दुकानें बंद रहेंगी कंप्लीटली, एसी रिपेयर भी बंद रहेगा। गोदाम से डिलीवरी कर सकते हैं वो? गोदाम से बिल्कुल नहीं कर सकते। एसी से संबंधित सरकार की एडवाइजरी है कि जो इस पर्टिकुलर बीमारी में एसी और एसी का इस्तेमाल करना, एसी की रिपेयर, कोई भी एसी से जुड़े हुए काम करना हेल्पफुल नहीं है, तो इसलिए सरकार की एडवाइजरी है कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए। कंस्ट्रक्शंस के जो काम हैं वो हमसे परमिशन ले सकते हैं सरल हरियाणा पोर्टल पे और उनको फिर कंस्ट्रक्शन की अलाउ की जाएगी। काफ़ी सारे सरकारी विभागों ने परमिशन ले ली है, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी अपने कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली है, तो वो परमिशन लेकर के अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सर 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 उसमें भी कंडीशन है कंस्ट्रक्शन में कि अगर कोई कोरोना संक्रमित होता बिल्कुल है तो अगर सर अगर सरकारी जो लेबर लगी हुई है। देखिए एक कंडीशन मैं क्लेरिफाई करूं, हमारी इंडस्ट्रीज को भी काफी कंफ्यूजन था, मैंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मीटिंग रखी तो उनकी बात आई थी, इस तरह की कोई शर्त नहीं है कि अगर उनका लेबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उनके खिलाफ FIR होगी, ऐसा कुछ। कंडीशन ये है कि वो अपने जितने भी लेबर हैं उनकी डेली स्वास्थ्य जांच कराएंगे और अगर उन्होंने कोई संदिग्ध हुआ या कोई सिम्टोमेटिक हुआ और उसकी उन्होंने हमें सूचना नहीं दी या उसकी स्वास्थ्य जांच नहीं कराई और बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने ऐसा किया है और उसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी। अदरवाइज तो सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अगर उन्होंने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, उन्होंने हमें रिपोर्ट भी किया है, हमने उनको यहाँ एडमिट भी रेफर भी कर लिया, एडमिट भी करा दिया इनकेस,
तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर इसमें करनाल की पोजीशन क्या, कितने कोरोना पॉजिटिव है और कितने करनाल के? टोटल 6 पॉजिटिव हमारे पास केसेस आए थे पहले, उनमें से एक का देहांत हो चुका है, 5 जो है वो उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लगभग 40 सैंपल्स हमारे अभी अवेटेड हैं जिन पे रिपोर्ट आनी बाकी है। दिल्ली की हमारी सैंपलिंग लगभग 50 की है। ये 50 वो लोग हैं जो हमारे कल्पना चावला में फ्लू ओपीडीज में आते हैं, यानी जो लोग संदिग्ध होते हैं जिनमें लक्षण होते हैं इसके। और इसके अलावा जितने भी हमारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमने उनको भी हिदायतें और आदेश दिए हैं कि अगर उनके मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स पे या केमिस्ट शॉप पे या कहीं पे भी कोई भी कोरोना के लक्षण वाले लोग आते हैं तो वो हमें लिखित में सूचना देंगे। इसके लिए हमने एक बाकायदा पोर्टल भी बना दिया है, उनको सर्कुलेट भी करा दिया है और उनसे भी हमारे पास अब सूचना आने लग गई है। अगर किसी केमिस्ट शॉप पे भी कोई जाकर के बुखार की या गला खराब की दवाई मांगता है तो उसकी सूचना हमारे पास पहुंचेगी, हम उसको ट्रेस करेंगे और अगर हमें सिम्टोमेटिक लगा तो हम उसको आइसोलेट करके भर्ती करेंगे। प्रवासी मजदूरों को बाकी की भी सरकार से हिदायतें आ रही हैं, बाकी स्टेट्स के और इवन यूपी के जो बाकी जिले बच गए हैं उनको भी भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। और इस बारे में जो सरकार की हिदायतें हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में जितने भी हमारे प्रवासी भाई बहन हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके राज्यों से संपर्क करके उनको भेजा इलेक्ट्रीशियन और जो हमारे प्लम्बर्स हैं इनके लिए हमने होम फिक्स करनाल करके एक एप्लीकेशन शुरू की है, पोर्टल शुरू किया है, उसमें लगभग 90 लोगों ने अभी रजिस्टर भी कर लिया है। मैं इनफैक्ट हमारे जो करनाल का मीडिया है उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल की जितनी ज़्यादा हो सके प्रचार प्रसार करें। होम फिक्स करनाल पोर्टल पे कोई भी सिटीजन जाकर के रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे प्लम्बर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, आने वाले 2 दिनों में उसको एक स्लॉट दिया जाएगा। अगर उसको अर्जेंट स्लॉट चाहिए तो अर्जेंट स्लॉट भी ले सकता है, उस पर वो क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल पे उस प्लम्बर का या इलेक्ट्रिशियन का नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा कि उसको आपके घर ही आदमी इतने बजे से इतने बजे तक पहुंचेगा। उसमें अब उसमें हमारी 2 शर्तें हैं इसमें, एक तो जितने भी लोग हैं 90 लोग इन सब की हमने स्वास्थ्य जांच कराई है, उसका उद्देश्य ये था कि हो सकता है कल को ये लोग भी कैरियर की तरह एक्ट ना करें, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर दिन में 10 घरों में जाता है तो हो सकता है अगर वो खुद इन्फेक्टेड है तो 10 घरों में फैला देगा, इसलिए हमने उनको स्वास्थ्य जांच कराई है और स्वास्थ्य जांच कराने के बाद मास्क और सैनिटाइजर दे करके ही उनको घरों में इंक्लूडेड है, बिल्कुल शामिल है। अभी खगौन का एक ताजा मामला आया मध्य प्रदेश का, उसमें बार्बर शॉप से 6 लोगों में कोरोना फैला है। देखिए ये जितनी भी दुकानें खुलेंगी, हम जो एडवाइजरी अभी जारी कर रहे हैं उसमें लिखेगा कि लिखा हुआ है कि जितनी भी दुकानें खुलेंगी ये प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ खुलेंगी, और अगर इस तरह का मामला किसी भी दुकान, चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, इवन जो एग्जिस्टिंग रनिंग शॉप्स हैं उनमें भी हो, अगर कोई इस तरह का मामला आता है और किसी दुकानदार की लापरवाही आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक्स एक्ट फोर्स में है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। शहर में हेयर ड्रेसर की दुकानें बंद रहेंगी अगर वो मार्केट प्लेसेस में है। इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने कहा कि गांव की हर दुकान बिना परमिशन के खुलेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान सेल करते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, जो कुछ भी है, ऐसे तो सर जो शहर के लोग हैं वहाँ ऑर्डर करेंगे वो वहाँ पे सप्लाई शुरू कर देंगे। इनकी जो सप्लाई है रूरल एरियाज में अलाउड नहीं होगी, वो जो गांव की दुकानें हैं वो सिर्फ अपने गांव के एरिया को कैटर करेंगे या नियर बाई विलेज के एरिया को कैटर करेंगे अगर वहाँ वो दुकानें नहीं है, बट शहर में और कस्बों में 6 नगर पालिका और 1 नगर निगम में अलाउड हुई है, वहाँ से एंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलाउड मंडियों की कैसी मंडियों में हमारे जिले में अभी तक 30 लाख क्विंटल कल रात तक खरीद थी, आज की मिला दें तो करीब 35 लाख क्विंटल खरीद हो गई है, जो कि हमारी हर सालाना खरीद की 50% है, यानी हमने जो हर साल गेहूँ आता है उसका आधा खरीद लिया है। हरियाणा का जितना टोटल गेहूं खरीद हुई है उसमें 1/4 सिर्फ करनाल जिले ने खरीदा है, तो इसके लिए करनाल के सारे किसान बधाई देते हैं। गांव है, गांव है जो उनमें जो आपने परमिशन दिया उनमें कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रीज है, जैसे टाइले बनाते जो फैक्ट्रिया है, कोई ईंटे बनाते हैं, भट्टे हैं, सर उनके लिए क्या टर्म? फैक्ट्रियां हैं वो तो स्पेसिफिकली हमारे यहाँ परमिशन के लिए अलाउड है, परमिशन बिल्कुल का कोई क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई करके परमिशन लेकर के ही अगर नहीं काम करते सर, अगर नहीं लेते परमिशन सील करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कल हमने एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री को सील भी किया है इस तरीके से बिना परमिशन के। सर एक इशू ये आ रहा है कि जो सरल हरियाणा का पोर्टल है उस पे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र का पोर्टल बन करके रह गया। बिल्कुल गलत इशू है, और कल शाम तक जितनी भी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज की आई थी हमने क्लियर भी कर दी थी, जैसे मैंने बताया उसमें से 85 के अराउंड अप्रूवल हो गई है, बाकी 350 के करीब रिजेक्ट हुई है,
तो इंडस्ट्रीज को तो बिल्कुल तुरंत इमीडिएटली उस पर हमने एक्शन लिया है। एक चीज़ और मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगता है कि उसके पास लेबर की और गाड़ियों की डिटेल नहीं है और इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी वो डिटेल उस पोर्टल पे ब्लैंक छोड़ दे और वो बाद में जब उसको पासेज इशू होंगे उस टाइम पे डिटेल भर के प्रिंट निकलवा सकते। सरकारी ऑफिसर्स को लेकर क्या रहेगा, अभिभावक जो है कह रहे हैं कि छोटी क्लासेस के तो ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लगती है, छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते हैं तो फीस क्यों दे रहे हैं वो? देखिए स्कूलों का चूंकि ये ना तो इसेंशियल चीजों में आती है और उसमें फैलने का डर बहुत है, तो स्कूल कॉलेजेस अभी बिल्कुल बंद रहेंगे। हम कोशिश कराएंगे कि जितनी ज्यादा ई लर्निंग की क्लासेस जिन जिन क्लासेस की लगाई जा सकती है वो लगवाएं। एक सवाल है, लोग बार बार पूछ रहे हैं जैसे तरावड़ी है, नीलोखेड़ी है, यहाँ भी पंचायत नहीं है तो ये उस जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे सर? नहीं, पंचायत वही, जहाँ पंचायत होगी वही गाँव माना जाएगा। हमारे 6 नगर पालिकाएं हैं, जहाँ पंचायतें नहीं है, जहाँ नगर पालिकाएं हैं वो 6 नगर पालिकाएं और एक नगर निगम, ये 7 जो कस्बे और शहर मिलाकर के ये अर्बन के डेफिनेशन में आते हैं। सर ज्यादातर पंचायतों में ठीकरी पहरे बंद हो चुके हैं काफी टाइम से, तो क्या उनपे कोई कार्रवाई बनती है पंचायतों में? देखिए ठीकरी पहरे बिल्कुल लगाने हैं। एक हमारे नॉलेज में ये बात आई थी कि चूंकि गेहूं की प्रोक्योरमेंट का और सीजन शुरू है तो ट्रैक्टर गाँव से निकलने स्वाभाविक है, इसलिए जो पक्के नाके हैं वो तो हमने हटाने के लिए बता दिया था, बट जो लोगों की 8-8 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्टों में लोगों को बिठा करके ठीक रही नाके लगाने की बात है तो वो जारी रहे। कंटेनमेंट जोन का जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है, तो 28 दिन में जो हमारा 1 मई को जो रसीन वाला कंटेनमेंट जोन है, अगर उस गांव में कोई और पॉजिटिव केस नहीं आता तो हम उसको डीनोटिफाई करके उसको ओपन करते हैं। करनाल शहर में अभी जो स्थिति बनी हुई है वही चलती रहेगी, सिर्फ वो दुकानें जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं यानी अकेली दुकान है, आसपास और कोई दुकान नहीं है, और जो नेबरहुड शॉप्स हैं यानी जिसने अपने घर में ही दुकान बनाई हुई है, वो सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई करे और जब उसको पास मिल जाए तब 9 बजे से 12 बजे तक, और जो शर्तें हैं कि 50% लोग लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, उन शर्तों के साथ दुकान खोल ले। अगर स्टैंड अलोन शॉप है तो हम जब वो अप्लाई करेगा हमारे पोर्टल पे तो हम वेरीफाई कराएंगे कि वो स्टैंड अलोन है या नहीं है, और तब हम सर ऐसा सिस्टम बना दे कि फोटो वो साथ ही खींच के डाल दे, काम आसान, खींच के भी डाल दे और हम अपने स्तर पे भी वेरीफाई कराएंगे, क्योंकि हम मुझे जहाँ तक अभी हमारी जिला प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग से ज्ञात हुआ है कि बहुत ही लिमिटेड ऐसी शॉप्स होंगी अर्बन एरियाज में तो जो खुलेंगी, लगभग जो अभी तक स्थिति बनी हुई है, हाँ जो अभी तक स्थिति बनी है वही चालू रहेगी, 6 नगर पालिका और 1 नगर निगम। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है सर, अगर कल से करनाल में पॉजिटिव केस बढ़ते हैं तो पेरेंट्स को भेज रही है? बिल्कुल, अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल ये लिख के भेजती है कि भाई आप फीस जमा कराओ नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल को ये कहा है कि वो कोई भी फोर्स नहीं करेंगे पेरेंट्स को, और अगर उनका मैसेज भेजना भी है तो उसमें ये लिख के भेजेंगे कि अगर कोई अभिभावक अपनी इच्छा से इस महीने का फीस जमा कराना चाहते हैं तो वो करा दें, अदरवाइज वो बाद में करा सकते हैं। वो मैं पीछे खड़ी थी तो उसने दिया था वो हम लोग 2-3 कॉलोनी में गए थे आज, वहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, एक आध बार किसी को मिला है वो भी आधा अधूरा या आटा चावल खाली का पैकेट ऐसे मिला है, तो उन लोगों ने राशन की जो अभी हमने व्यवस्था करी है वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, हमने एक सर्वे 1950 पे भी बहुत बार फोन किया है तो वो लोग बोलते हैं आपका इंक्वायरी होएगा, आपका लिस्ट में है, आप वेट करो, और हमने फिर इसी तरह गाँव से भी किया, वो लोग कहते हैं एक बंदा लिस्ट बना रहा है कोई सरकार का नुमाइंदा, फिर वो बोलता है कि बीडीओ ऑफिस में जाएगा, बीडीओ ऑफिस वाले नहीं, मैं इसमें आपको पूरी प्रक्रिया क्लैरिफाई कर देता हूँ, कोई बात नहीं। पहली चीज तो जो 1950 पे कॉल आती हैं और जो वहाँ पे चंडीगढ़ कॉल जाती हैं, हमने उनको एनालाइज कराया, लगभग 1000-1200 कॉल्स मिला करके चाहे वहाँ की हों या यहाँ की हों हो जाती हैं। उनमें से जब हमने टीम्स भेज करके देखा तो 80% ऐसे मामले आए जो ऑलरेडी किट्स ले चुके थे, कई जगह तो उनको किट्स बरामद हुई, कई लोग किट को बेचते हुए किराना शॉप पे भी पकड़े गए, और कईयों के घर में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोटर व्हीकल्स थे जिनको देख के लगता था कि इनको राशन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ तो मान लिया जाए कि जितनी शिकायतें आती हैं जरूर नहीं सारी सही भी हो। दूसरा जो सर्वे का जहाँ तक बात है, दूसरा जो बेसिकली सर्वे वाला बात है, उसकी स्टेटस ये है कि कुछ यूनिट कमेटीज़ और लोकल कमेटीज़ बनाई हैं, उनका कुछ उद्देश्य तो ये है कि हेल्थ चेकअप भी हो लोगों का, क्योंकि उसमें आंगनवाड़ी आशा वर्कर बीएलओज वगैरह हैं, कुछ उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं उनको हम फिर राशन शॉप के जरिए डिस्ट्रेस कूपन जारी करके उनसे राशन देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी,
और ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। लगभग 10,000 ऐसे परिवार हैं जिनको जरूरतमंद परिवार हैं पूरे जिले में, जो अभी तक आइडेंटिफाई हो गए हैं। ये काम आगे भी चल रहा है। उन लोगों को हम जो है डिपो शॉप से के जरिए आने वाले 6 महीने तक राशन पहुंचाएंगे। करनाल में 35 जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं। सर डिपो ऑर्डर का एक इशू है, वो कह रहे हैं कि हम मतलब राउंड द क्लॉक राशन बांट रहे हैं, सेफ्टी गियर्स हमें प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि हम लोग हमारे कश्मीर आ रहे हैं, ना हमें सैनिटाइजर दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ, ना हमारा कोई बीमा को इंश्योर किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। बड़ा अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट आज हमने ये भी करा है कि जितने भी डिपो होल्डर्स हैं, ना केवल उनके लिए, बाकी वहाँ जब बल्कि यहाँ जो भी कोई राशन लेने आते हैं, हम वहाँ मास्क रखवाएंगे। जो भी कोई राशन लेने आएगा और जिसने अपना फेस नहीं कवर कर रखा होगा, डिपो होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो मास्क अवेलेबल कराएगा, वो खुद भी यूज करेंगे, साथ में सैनिटाइजर की बड़ी बड़ी बॉटल्स भी हमारे पास। मेरा सवाल बीच में रह गया, अगर करनाल को करनाल में कोई केस बढ़ता है तो क्या ये ऑर्डर्स वापस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर हमें लगा कि ये अगेन दोबारा से हॉटस्पॉट बनता है या लोगों की मूवमेंट ज्यादा हो या मूवमेंट बढ़ती है, तो हम ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस विदड्रॉ करके और इवन जो शुरू में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.